नमस्कार, परीक्षा मित्र के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अमृत सेन विचारक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर की फोर्थ यूनिट में जोड़ा गया टॉपिक है, जिसमें डायनेमिक जो पॉलिटिकल जो भारतीय राजनीति के ऊपर जो टीकाकार हैं उनके बारे में पढ़ने की बात कही गई थी। ठीक है, तो इसमें अपन ने पहले जिस विचारकों के बारे में चर्चा की थी उसमें अमर्त्य सेन नहीं थे, ये सेकंड पार्ट है भारतीय राजनीति के टीकाकारों पे। और अमर्त्य सेन के बारे में आज अपन देखेंगे। अमर्त्य सेन का टॉपिक उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है जो RSSC या ISSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उनको भी बेसिक नॉलेज इनके बारे में होना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में तो डायरेक्ट ये टॉपिक दे दिया गया है। ठीक है, तो बिना किसी लेट लतीफी के अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अमर्त्य सेन विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, आप और हम ये बात जानते हैं। इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था और इनके पिता रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे 1945 में, जो अपने काम की बात नहीं है। अपने काम की बात यह है कि ये विश्व प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इनका पूर्वी बंगाल में जन्म हुआ था। पहले भी अपन इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, कब किए थे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जब अपन ने स्वतंत्रता का टॉपिक पढ़ा था, मैंने वीडियो भी बना रखा है स्वतंत्रता का, तब हमने और समानता में भी ये जो उदार समतावाद आता है उसमें भी अपन ने इनके बारे में पढ़ा था। तो तीन चार जगह पर इनके बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है, चाहे वो स्वतंत्रता का टॉपिक हो, चाहे समानता का टॉपिक हो, चाहे न्याय का टॉपिक हो, वहाँ पर भी अमर्त्य सेन के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, मार्थन उसबॉम के साथ इन्होंने काम किया था, आगे देखेंगे, यहाँ पर भी रिपीट होएगा। अमर्त्य सेन का जो नामकरण है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अमर्त्य सेन की प्रारंभिक शिक्षा ढाका में हुई थी उस समय भारत, यहाँ देखिए आप 1945 में इनका जन्म हुआ है, मतलब उस समय भारत जो था वो ब्रिटिश भारत है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत ये पूरा मिला हुआ है, अभी तक विभाजन नहीं हुआ था। तो इनकी शिक्षा भी ढाका में हुई थी। उच्च शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, शांति निकेतन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन के ट्रिनिटी कॉलेज में भी इन्होंने पढ़ाई की। 1970 से अमर्त्य सेन ने ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका व भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य किया। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। ये काम का और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कौन से विश्वविद्यालय में रहे, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इनको केवल अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखने की बात है कि दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी के भी प्रोफेसर रहे हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे, यहाँ पे लिखा गया है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, अपने को ध्यान रखना है, पहले कुलपति अमर्त्य सेन थे नालंदा विश्वविद्यालय के। 1998 में अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिया था और इस कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1999 में, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। इन्होंने अकाल का अर्थशास्त्र भी दिया है, जो आगे देखेंगे अपन इन सिद्धांतों को, कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है इसको समझेंगे आगे, अकाल का अर्थशास्त्र क्या है इसको भी अपन समझेंगे। और वास्तव में जो इनके विचारों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वो अकाल के अर्थशास्त्र के सिद्धांत से पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन की कृतियाँ, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, 200 पुस्तकें इन्होंने लिखी है, मैंने फिर भी यहाँ से इंपॉर्टेंट किताबें छाटने की कोशिश की है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉवर्टी एंड फेमिनिज 1981 की बुक है, ऑन एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स 1987 नैतिकता और अर्थशास्त्र, हंगर एंड पब्लिक एक्शन 1989 भुखमरी एवं जन कार्यवाही, ये पुस्तक जांदरेज के साथ लिखी है इन्होंने, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। आपने जांदरेज का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो अपने यहाँ पर एक योजना चल रही है जिसका पहले नाम नरेगा था और अब इसका नाम मैं नरेगा हो चुका है। ये जो जांदरेज है इन्होंने ही, ये मैंने देखा फ्रांसीसी विचारक है जांदरेज, नाम से भी आपको लग रहा होगा, अपन ने उत्तर आधुनिकतावाद पढ़ा उसमें सारे नाम ऐसे ही आते हैं, तो मैंने जो जांदरेज है ये फ्रांसीसी हैं। और भारत में जो मैंने देखा है ये इन्हीं की देन है, ये नरेगा जो योजना आई है। और इसके अलावा ये आज भी आप नेट पे जाके सर्च करिएगा, ये कहीं पर भी अपने को मिल सकते हैं, कहीं का मतलब कभी रेलवे स्टेशन पर सफाई करते हुए मिल जाए अपने को, ये ऐसे व्यक्ति हैं। ठीक है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है जांदरेज, इनके साथ मिलकर के इन्होंने बुक लिखी भुखमरी और जन कार्यवाही। इन इक्वेलिटी री एग्जामिन्ड 1992 की बुक है। 1993 में अमर्त्य सेन और मार्था नुस्बम ने मिलकर के बुक लिखी है। मार्था नुस्बम के बारे में आगे और डिटेल में दे रखा है मैंने। मार्था नुस्बम के बारे में जब मैंने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाया, समानता के बारे में पढ़ाया, न्याय के बारे में पढ़ाया, तब भी इनके बारे में चर्चा हो चुकी है।
आगे अपन पढ़ेंगे कि सामर्थ्यता की समानता की बात करते हैं, सामर्थ्यता की बात करते हैं कौन, अमर्त्य सेन साहब। तो इस जो सामर्थ्यता का जो सिद्धांत है, क्षमता का जो सिद्धांत है, ये मार्था नुस्बम और अमर्त्य सेन ने मिलकर के दिया था। उदार समतावाद में पढ़ते हैं इसको। ऑन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी 1997, डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999, फ्रीडम रैशनैलिटी एंड सोशल च्वाइस, स्वतंत्रता विवेक और जन इच्छा 2000 में ये बुक आई। इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन 2002 की बुक है, ये भी जांदरेज के साथ मिलकर के लिखी गई है। ये जो साथ मिलकर के जो बुक लिखी गई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं जब ऑप्शन अपने सामने आता है। तो तीन बुक अपने सामने आ चुकी है, दो जांदरेज के साथ में है, एक मार्था नुस्बम के साथ में है। इनके नाम आप याद रखना, मैं यहाँ पे और हाईलाइट और कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको आसानी रहे। एक सेकंड, टेक्निकल आपको समझ में आ गया होगा इतने दिन में कि टेक्नो फ्रेंडली थोड़ा कम हूँ। आप लोगों की तरफ से कई शिकायतें आती हैं कि सर थंबनेल नहीं लगाते हो आप, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। खैर, मेरा कंटेंट जो है उसमें कोई कमी आपको नज़र आए तो आप उस बारे में मुझे बताइएगा, बाकी जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, ठीक है। कंटेंट में कभी कोई कमी आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अलग से, यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया है, जांदरेज के साथ बुक है, इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन, मार्था नुस्बम के साथ में है द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जांदरेज के साथ एक और बुक है हंगर एंड पब्लिक एक्शन, रैशनैलिटी एंड फ्रीडम द 2002 की बुक है रैशनैलिटी एंड फ्रीडम, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया इंडियन 2005, आइडेंटिटी एंड वायलेंस द इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी 2006 की बुक है, द आइडिया ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी गई है। और ये पूछे जाने का कारण ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सारी किताबें हैं, पूछे जाने का कारण ये है कि 2010 के बाद में जो भी क्वेश्चन आए हैं ये लेटेस्ट बुक थी, इसलिए पूछा गया है। तो आप 2013 वाली बुक भी याद रखिएगा, पीस एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये भी बहुत बार पूछी जाएगी आने वाले टाइम पर। अमर्त्य सेन का मुख्य कार्य कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सिद्धांत इन्होंने दिया है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सामाजिक पसंद का सिद्धांत, अकाल व गरीबी निवारण का, और स्वतंत्रता समानता और न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर बल दिया है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है, देखिए अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में दो टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, एक तो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और एक होती है आर्थिक विकास। आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। एक व्यक्ति है जिसकी इनकम है 1 करोड़ रुपीज सालाना, मान लो, ठीक है, महीने के तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 1 करोड़ रुपीज साल का कमाता है। इस व्यक्ति के 4 पुत्र हैं, 4 संतानें हैं, चलो 2 कर लेते हैं, ठीक है, हम 2, हमारे 2 मान लो। ये जो 2 हैं ये ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, ज़्यादा विवेक नहीं आया, ज़्यादा इनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं आई, क्योंकि पहले से ही क्या है इनके पास में पैसा आ गया बहुत सारा, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पल अपन नहीं देंगे, आप इतने से समझ जाओगे। ये दूसरा व्यक्ति है, इसकी इनकम थी 50,000 रुपये, सरकारी मास्टर था, 50,000 रुपये, ठीक है, ये सरकारी मास्टर नहीं, आप ये मान लो 4th क्लास का कर्मचारी, ये 3rd ग्रेड का कर्मचारी, ये मान लो ये 3rd ग्रेड का कर्मचारी है, 50,000 रुपये इसको मिला करते थे। इसने इन पैसों का उपयोग किया अपने बच्चों के ऊपर, ठीक है, इसके 2 संतान हैं इसके भी, और दोनों डॉक्टर हैं, ठीक है, ये डॉक्टर लिखा है मैंने, ठीक है, डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, ये डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर बन गए। अब आज इनमें कंपैरिजन करो, ये व्यक्ति दुखी मिलेगा, क्योंकि इसने आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि तो बहुत की, पैसा खूब कमाया, लेकिन आर्थिक विकास नहीं हुआ। यानी आर्थिक समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा कमाने से होता है, और आर्थिक विकास में इकोनॉमिक ग्रोथ तो शामिल होती ही होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही है, ठीक है। इसके साथ में इसका मतलब है कि अच्छा स्वास्थ्य यदि है, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा ये बेहतरीन है तो आर्थिक विकास है, अन्यथा केवल आर्थिक समृद्धि बनकर के रह जाएगी। तो आप मेरे को बताओ, आर्थिक समृद्धि बढ़िया है, आर्थिक विकास बढ़िया है? यही बात कहते हैं अमर्त्य सेन कि आर्थिक समृद्धि मत करो, इकोनॉमिक ग्रोथ ही ग्रोथ मत करो, ग्रोथ से कुछ नहीं होने वाला है यदि आपने आर्थिक विकास नहीं किया है, यह है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये सिद्धांत देते हैं। अकाल और गरीबी निवारण का क्या मतलब है, अमर्त्य सेन ये कहते हैं, अमर्त्य सेन ने बंगाल में एक भुखमरी देखी, एक अकाल का टाइम देखा, लोगों को भूख से मरते हुए देखा, तब अमर्त्य सेन कहते हैं कि लोग इसलिए नहीं मर रहे हैं कि उनके पास में
लोग इसलिए मर रहे हैं कि सरकार ने उन तक भोजन ही नहीं पहुंचाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि भोजन बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका था, आपूर्ति नहीं हो पा रही थी अकाल में, और आपूर्ति के कारण महंगाई बढ़ गई। ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि गरीब व्यक्ति उसको खरीद नहीं पाया। ठीक है, तो इसके आधार पर वो अकाल निवारण का सिद्धांत देते हैं, अकाल और गरीबी निवारण। फिर ये कहते हैं क्षमता का सिद्धांत है एक इनका, जिसके बारे में तो मैं पहले भी बहुत चर्चा कर चुका हूँ, यदि आपने मेरी क्लास ली है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय को मैंने इतने डिटेल में, इतने तरीके से समझाया है कि यूट्यूब के ऊपर तो कोई समझाता नहीं इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्षमता का सिद्धांत जो है, सामर्थ्यता का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। तो इसमें अमर्त्य सेन कहते हैं कि मछली पकड़ करके मत दो, मछली पकड़ना सिखा दो उसको, यानी पेट भर, उसको रोटी मत दो, रोटी कमाना सिखा दो उसको। ये है, उसको इतना सक्षम बना दो, इतना सामर्थ्यवान बना दो कि वो खुद अपना पेट भर ले, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो। ये बात कहता है अमर्त्य सेन। अब देखो इसमें लिखा क्या है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। सामाजिक विकल्प और पसंदगी का सिद्धांत, ये क्या है? ये सिद्धांत सामाजिक कल्याण कार्यक्रम योजनाओं में व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को महत्व देता है। बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना करता है। क्यों? बेंथम सामाजिक विकल्प पसंदगी का सिद्धांत, बेंथम की आलोचना क्यों हो रही है? बेंथम क्या कहता है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो, ऐसा कार्य होना चाहिए। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण मतलब, अगर 99% लोग गरीब हैं उनके लिए योजना गई, एक व्यक्ति जो है इसके लिए योजना नहीं आई, तो ये गलत है। इसलिए आलोचना करता है कि अधिकतम व्यक्तियों का नहीं होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। सर्वहित की बात करता है कौन? अमर्त्य सेन। सर्वहित की बात करते हैं ये सिद्धांत। सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम बनाने, जनहितैषी कानून बनाने, वोटिंग बिहेवियर का पता करने के काम आता है। इस सिद्धांत का आधार क्या है? केनेथ एरो की बुक है एक, सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज, ये सिद्धांत का आधार है। और इसमें यह कहा जाता है कि सामाजिक विकल्प क्या है, व्यक्ति की पसंदगी क्या है, उनको जाना जाना चाहिए और उनके आधार पर सामाजिक कल्याण की योजनाएं बनाई जानी चाहिए, जनहितैषी कानून बनाए जाने चाहिए जो सामाजिक पसंदगी है उसके आधार पर। वोटिंग बिहेवियर का भी इससे पता चलता है। ठीक है, इस संबंध में सेन की प्रसिद्ध पुस्तक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, 1970 की बुक है, सामूहिक विकल्प सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण व सामाजिक विकल्प सिद्धांतों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अकाल दैवीय आपदा नहीं है, प्रबंध और प्रशासन की समस्या, ये अकाल की, अकाल का सिद्धांत। ठीक है, आपदा नहीं है ये, दैवीय आपदा नहीं है बल्कि प्रशासन की समस्या है। 1943 के बंगाल के अकाल और विभीषिका पर, 1943 में बंगाल में अकाल आया और 1981 में अमर्त्य सेन ने इसके ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड फेमिन्स एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डेप्रिवेशन। ठीक है, डेप्रिवेशन, वंचित वर्ग। अमर्त्य सेन ने बताया कि अकाल में जो मौतें हुई उनका कारण ये नहीं था कि भोजन की कमी थी, बल्कि कारण ये था कि खाद्यान्न वितरण में असमानता थी। खाद्यान्न तो उपलब्ध था लेकिन कीमत ज़्यादा हो चुकी थी और गरीब इसे खरीद नहीं पा रहा था। सेन साहब का मानना है कि राजनीतिक अधिकारों के अभाव में लोग आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलेंगे तो आर्थिक अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। और कुछ लोग ये मानते हैं कि आर्थिक, बात को समझना आप, ये स्टेटमेंट आता है। अमर्त्य सेन मानता है कि राजनीतिक अधिकार दो, वो आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति खुद कर लेंगे, आपसे मांग लेंगे जब उन्हें वोट देने का अधिकार होगा, तो वोट तब देंगे जब उनकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होंगी, ये कहते हैं अमर्त्य सेन। और एक कुछ ऐसे लोग आते हैं जैसे अपन भी बोलते हैं कि पहले पेट भरेगा तब वोट की सोचेंगे ना अपन, की वोट किसको दें, तो पहले आर्थिक आवश्यकता तो पूरी हो तब अपन राजनीतिक अधिकारों की बात करेंगे। तो ध्यान रहे, पहले राजनीतिक अधिकार फिर है आर्थिक अधिकार। सेन ने तर्क दिया कि किसी ऐसे देश में कभी अकाल नहीं मरा, कभी अकाल नहीं पड़ा जहां लाखों करोड़ों लोग नहीं मरे। यानी अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि किसी देश में अकाल की वजह से लाखों करोड़ लोग कभी नहीं मरे। ठीक है, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता थी, विचार विमर्श के माध्यम से शासन चलाया जाता था। फिर चर्चा होती है मानव विकास सूचकांक की। मानव विकास सूचकांक, इसके बारे में आप जानते ही हैं, हर साल जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की यूएनडीपी से जारी करती है, हर साल जारी होता है, प्रतिवर्ष जारी होता है। ये जो यूएनडीपी है, ये मानव विकास सूचकांक है, ये अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक,
इन्होंने मिलकर के तैयार किया था, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। जो HDI जारी किया जाता है, ये HDI जो इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने मिलकर के जारी किया था। इसमें आधार क्या होते हैं, तीन आधार हैं इसमें, तीन पॉइंट है, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि एक व्यक्ति औसतन कितना जीवन जीता है, 60 वर्ष, 80 वर्ष, किसी देश में जैसे जापान में 80 वर्ष से ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब मानव विकास है, नहीं तो नहीं है। और तीसरा है शिक्षा, साक्षरता। फिर इसमें भी अलग अलग इनके सब टॉपिक हैं, वो अलग चीज़ है। मूल जो इसके संकेतक हैं वो तीन आधार हैं जिनके आधार पर इन संकेतकों को शामिल किया जाता है। अमर्त्य सेन परिमाणात्मक की बजाय गुणात्मक जीवन पर जोर देते हैं। क्या मतलब है, क्वांटिटी लाइफ की बात नहीं करते हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी पर आधारित होती है, कितने रुपए कमाए, 1 करोड़, 50 लाख, 50,000। और गुणात्मक क्या होता है, व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं, व्यक्ति ने शिक्षा लिया नहीं, व्यक्ति जी रहा है कि नहीं जी रहा, जीवन प्रत्याशा बढ़िया है कि नहीं। 1 करोड़ रुपये कमा लिए, जी नहीं पा रहा है, 40 बरस तो क्या खाक कमाया, ठीक है। तो गुणात्मक जीवन ज़्यादा बेहतर होता है बजाय क्वांटिटी लाइफ के। उनके अनुसार मानव के विकास में खुशी का आधार समग्र राष्ट्रीय आय, स्टॉक मार्केट, मॉल संस्कृति, FDI नहीं है, बल्कि क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, जेंडर समानता, पर्यावरण संरक्षण आदि हैं। और ये क्या है, यही आर्थिक विकास है। ये भी प्रश्न आता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, तो मैंने बता दिया है कि आर्थिक समृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है, दोनों में अंतर मैंने स्पष्ट रूप से आपको समझाया है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्षमता के रूप में विकास और स्वतंत्रता, इसके बारे में तो मैं पहले भी बहुत चर्चा कर चुका हूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन सी स्वतंत्रता की बात करते हैं अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन क्षमता की स्वतंत्रता की बात करते हैं, सामर्थ्यता की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है, और क्षमता की स्वतंत्रता की बात करते हैं, क्षमता की समानता की बात करते हैं। इसमें क्या कहते हैं अमर्त्य सेन, कि व्यक्ति को इतना सक्षम बना दो कि वो अपना पेट भर ले, ये है सिंपल बात, हम इसका मतलब। अमर्त्य सेन की बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999। इस पुस्तक के अनुसार किसी भी समाज का विकास तब होगा जब वहाँ कल्याणकारी राज्य हो, अर्थव्यवस्था पुनर्वितरणात्मक स्वरूप हो। पुनर्वितरणात्मक स्वरूप, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समानता और स्वतंत्रता में इसको समझाया, बहुत डिटेल में समझाया। और वैसे वितरण की समानता की बात है ना, वो समाजवादी करते हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है, वितरण की समानता की बात करते हैं समाजवादी। अमर्त्य सेन के क्षमता का सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं की सतत पूर्ति के बजाय उसकी आवश्यकताओं की सतत पूर्ति मत करो, बल्कि उसे सक्षम, शिक्षित, क्षमतावान बना दो ताकि वह स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। यानी किसी हास्यकृत व्यक्ति को मछली पकड़ कर देने के बजाय उसे मछली पकड़ना सिखाया जाए, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाए। अमर्त्य सेन दरिद्रता को क्षमता की हानि कहते हैं, गरीबी को क्षमता की हानि कहते हैं। मतलब व्यक्ति में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन गरीबी के कारण, गरीबी के भाव के कारण वो उन क्षमताओं का सही दोहन नहीं कर पाता है। निर्धन इसलिए निर्धन नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है कि वे कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। अब आती है विकास उन्मुखी स्वतंत्रता की अवधारणा, ये क्या है अमर्त्य सेन के अनुसार। अमर्त्य सेन की स्वतंत्रता से संबंधित दो पुस्तक हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीवन की गुणवत्ता और डेवलपमेंट एज टायरिडम स्वतंत्रता पर आधारित विकास। फ्रीडम है ये, फ्रीडम, ठीक है, ये फ्रीडम है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। इस पुस्तक में सेन ने स्वतंत्रता विकास की अंतर्निर्भरता को वर्णित किया है और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्था नुस्बम है। बार बार नाम ले रहा हूँ, याद रखेगा क्षमता की समानता की बात कौन कौन करते हैं, मार्था नुस्बम और अमर्त्य सेन क्षमता के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। कैदियों जैसा जीवन जी रहे इस मानव समय को स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक मानने में चार बाधाएं बताते हैं, आर्थिक निर्धनता, सामाजिक वंचना, सामाजिक वंचना मतलब सामाजिक भेदभाव है, राजनीतिक नशंस तंत्र, शासन तंत्र जो है ये जनता का उत्पीड़न करता है, दमन करता है, सांस्कृतिक सत्तावाद, ठीक है, विकास व क्षमतावादी दृष्टिकोण। अमर्त्य सेन व मार्था नुस्बम समतावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं, उदार समतावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही हैं मार्था नुस्बम और अमर्त्य सेन के साथ बुक है इनकी द क्वालिटी ऑफ लाइफ 1993। अमर्त्य सेन बेंथम के उपयोगितावाद के खिलाफ हैं, क्यों है वो मैंने बता दिया है। ये लोग जो हैं अमर्त्य सेन, मार्था नुस्बम, ये अंतिम व्यक्ति का भी हित चाहते हैं, जबकि बेंथम जो है वो
अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण चाहता है। फिर आता है क्षमताओं की समानता का सिद्धांत। सेन के अनुसार समानता तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कल्याण की समानता। कल्याण की समानता से कौन जुड़ा हुआ है? अमर्त्य सेन। कल्याण की समानता से कौन जुड़ा हुआ है? अमर्त्य सेन। संसाधनों की समानता, संसाधन समतावाद से कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो संसाधन समतावाद से कौन कौन जुड़ा हुआ है? जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन। ये सब बताया हुआ है समानता की वीडियो में, ध्यान रखना। उदार समतावाद पूरा पढ़ाया हुआ है, नहीं देखा तो देख लेना उसको। सामर्थ्य क्षमताओं की समानता, इसकी बात करते हैं अमर्त्य सेन, मार्था नुस्बम। उपयोगितावादी दृष्टिकोण, बेंथम मील। दो ही व्यक्ति हैं, रोनाल्ड वर्किन, जॉन रॉल्स, एरिक रोकोवस्की और मार्था नुस्बम। ये किससे जुड़े हुए हैं? ये यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। ये संसाधनों की समानता से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्षमता की समानता का संबंध कृत्यात्मक स्वतंत्रता से है। कृत्यात्मक स्वतंत्रता का क्या मतलब? कृत्यात्मक स्वतंत्रता, फंक्शनल फ्रीडम। अमर्त्य सेन के अनुसार पुस्तक संसाधन है, साक्षरता या उसे पढ़ पाने की योग्यता क्षमता है, और उसे पढ़कर लाभान्वित हो जाना क्या है? कृत्यात्मक स्वतंत्रता है। पुस्तक संसाधन है, साक्षरता एक योग्यता है कि आप पढ़ लोगे उसको, लेकिन पढ़ करके करोगे क्या? आपने यदि उसे जीवन जीने का तरीका सीख लिया, आपने कमाना सीख लिया, पेट भरना सीख लिया, तो वो ये कृत्यात्मक स्वतंत्रता, अन्यथा आपको फंक्शनल फ्रीडम नहीं है। तो फंक्शनल फ्रीडम की बात कौन करते हैं? अमर्त्य सेन करते हैं। सेन अपनी बुक क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि मार्था नुस्बम के साथ लिखे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में ऐसी व्यवस्था का वर्णन करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप देश के विकास में हिस्सा ले सकता है। यदि क्षमता होगी तो देश के विकास में हिस्सा लेगा अपनी क्षमता के अनुरूप। कैसे? कोई जरूरी नहीं सीमा पर जाकर के युद्ध लड़ना ही देश की सेवा है। देश के विकास में आप यदि वर्क कर रहे हैं अपना, तो भी आप देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। यही तो है इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, जो GDP, GNP आप पढ़ते हैं, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो अमर्त्य सेन कहते हैं कि आप GDP में योगदान कब दे पाएंगे? जब आप में क्षमताएं होंगी, आप सक्षम होंगे तो योगदान दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। और जो लाभ होगा उससे उचित हिस्सा मिलेगा, सड़क पानी बिजली, आप यदि टैक्स देंगे तो राज्य और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। सेन ने वितरणात्मक न्याय के तहत वस्तुओं व लाभों का वितरण मानवीय क्षमताओं के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए दिव्यांग व्यक्ति को सर्वथा अक्षम नहीं माना जाता, बल्कि उसे भिन्न क्षमताओं से युक्त व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। उस व्यक्ति की बची हुई क्षमताओं का आकलन करके उसे पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त संसाधन दिए जाते हैं। यदि कोई दिव्यांग सक्षम नहीं है, सक्षम का मतलब वो सक्षम तो है लेकिन उसे संसाधनों की आवश्यकता है, तो यदि अतिरिक्त संसाधन उसे दिए जाते हैं तो क्षमताओं का विकसित विकास वो कर लेता है और सम्मानपूर्ण जीवन जी पाता है। आंख से लाचार व्यक्ति के लिए यदि ब्रेन लिपि सिखाई जाएगी तो वह पढ़ लिख कर का अध्यापक का कार्य कर सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है, देश के विकास में योगदान दे सकता है। अमर्त्य सेन के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने क्षमता सूचकांक भी शामिल किया है, कैपेबिलिटीज इंडिकेटर्स भी जारी करता है। अब आता है न्याय का स्वरूप। अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस, जो कि जॉन रॉल्स के विचारों को समर्पित है, इस पुस्तक में क्षमतावादी स्वरूप की चर्चा की है। ये पुस्तक जॉन रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के विरोध और संशोधन के रूप में है। अमर्त्य सेन, वहाँ पे देखो आप, जॉन रॉल्स का मैंने एक वीडियो बना रखा है, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, वहाँ पे मैंने ये बता रखा है कि जॉन रॉल्स का विरोध कौन कौन करते हैं। उनमें रॉबर्ट नोजिक का नाम आता है, जॉन रॉल्स का विरोध नोजिक करते हैं, अमर्त्य सेन करते हैं, और भी विचारक हैं, उनको मैंने डिटेल में बता रखा है वहाँ पर। उनका ही शिष्य है जो कि उनको फॉलो करता है, उसका नाम है पोगे, पोगे नाम है, जो कि वैश्विक न्याय की बात करते हैं। एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन पोगे है, पहले क्या है, तो पोगे वैश्विक न्याय की बात करते हैं। अमर्त्य सेन का शिष्य है ये। न्याय के संदर्भ में सेन की प्रसिद्ध करती है द आइडिया ऑफ जस्टिस पर उनकी दो अन्य पुस्तकें और हैं, पॉवर्टी एंड फेमिनिन और एक ये द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस। तो ये अमर्त्य सेन के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और कंटेंट में मैंने सारी चीज़ें शामिल की है जहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएँ होती हैं। तो यकीन मानिए कि ये पढ़ने के बाद में आप कंपटीशन में रहेंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगा औरों के जैसे कि इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि आप इतना याद करने के बाद में कंपटीशन में रहेंगे, आपको नहीं आ रहा है तो आप यकीन मानिए कि वो और किसी को भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।